कंट्रोवर्सीज, अगर कंट्रोवर्सीज का नाम आता है तो एक ही शो है जो कलर्स पर सालों से चल रहा है। पहले सेट पर चलता था, अब कलर्स पर चल रहा है, जिसको सलमान खान होस्ट करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप जो देख रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, सलमान खान का बिग बॉस। बिग बॉस सीजन 14 आ रहा है जहां पर सलमान खान होस्ट कर रहे हैं। अब इसमें दिलचस्प खबर ये है कि हर रोज एक नए सेलिब्रिटीज का नाम आता है कि ये इस शो में आने वाले हैं पार्टिसिपेंट, ये बनकर आने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं। क्योंकि जब ये शो में कोई पार्टिसिपेंट आता है तो कहीं ना कहीं वो भी कंट्रोवर्शियल जो सीन्स है वो क्रिएट कर चुका होता है, या तो फिर कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने वाला होता है, या तो फिर वो कंट्रोवर्सीज से जस्ट निकला होता है। तो ऐसे ही कंट्रोवर्शियल में जो चीज़ों में जो भरी हुई राधे माँ है, कहा जा रहा है कि बिग बॉस 14 ने उनको अप्रोच किया है। अगर मैं आपको इनके कंफर्मेशन के बारे में बताऊं तो अब तक कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन 90% ये कह दिया गया है कि राधे माँ आपको बिग बॉस सीजन 14 में नजर आएंगी। जी हाँ, राधे माँ जो है काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, पहले तो अपने पहनावे की वजह से, दूसरा जो अपनी बातों की वजह से। काफ़ी लोगों ने कहा कि वो सच नहीं, वो झूठ कहती है, लेकिन उसके बाद काफ़ी सारी जो प्रूफ्स, जो सबूत आए, उसके बाद कहा गया कि राधे माँ गलत नहीं है, वो सही है। उनका असली नाम सुखविंदर सिंह है और वो पंजाब से है, लेकिन उनको जितने भी फैंस हैं, जितने भी भक्त हैं, जितने भी लोग हैं जो उनको मानते हैं, जिन जो उनमें मान्यता रखते हैं, उन्होंने उनको नाम दिया राधे माँ। तो माँ यानी कि माता, तो माता का दर्जा उन्हें दिया। लेकिन आए दिन वो भी कंट्रोवर्सीज में आती रहती हैं। तो ऐसे में अगर राधे माँ जो इतनी कंट्रोवर्सीज में आती है, वो कंट्रोवर्शियल शो में आ जाए, जो कि बिग बॉस है, बिग बॉस का तो नाम ही कंट्रोवर्सी से शुरू होता है, तो अगर वो उसमें आ जाए तो सोचिए कितना धमाल होगा, कितना कमाल होगा। मतलब उसका जो मनोरंजन है वो तो आप सोच ही सकते हैं कितना कितना ज़बरदस्त होगा। लेकिन इसके पीछे अगर हम राज जाने तो वो TRP है, क्योंकि राधे माँ को देखने के लिए हर कोई टेलीविजन स्क्रीन ऑन करके कलर्स चैनल देखेगा और बिग बॉस सीजन 14 को जरूर देखेगा। वैसे तो सलमान खान है, सलमान खान की काफ़ी ज़्यादा फैंस है, लेकिन इसी के चलते अगर राधे माँ भी आ जाती है, हाल ही में सुनने आया था कि काफ़ी बड़े बड़े एक्ट्रेस जैसे अंकिता लोखंडे, जो भी कॉन्ट्रोवर्सीज में बीच में आई थी सुशांत सिंह राजपूत की वजह, वो भी आने वाली है, लेकिन उनका कन्फर्मेशन नहीं आया। ये भी कहा जाता है कि पिछले सीजन के लिए राधे माँ को जब अप्रोच किया था, राधे माँ ने कहा कि मैं नहीं आऊँगी इस शो में, लेकिन इस साल शायद उन्होंने हाँ कहा है। अब तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन बिग बॉस सीजन 14 में राधे माँ आ सकती है। उनका अपना चैरिटेबल ट्रस्ट भी है जिसका नाम है राधे माँ चैरिटेबल ट्रस्ट, जहाँ पर वो अच्छे काम करती है, जाना जाती है अपने अच्छे कामों के लिए। देखते रहे बॉलीवुड की खबरों के लिए हमारा चैनल बॉलीवुड हेडलाइन, जहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ एक से बढ़कर एक बॉलीवुड की लगातार खबरें। मैं हूँ एंकर करण रजानी, टेक केयर एंड गुड बाय।